हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में हम आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, रिजल्ट और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की तरफ से, एम्स ऋषिकेश की तरफ से ये वैकेंसी निकली है ट्यूटर पोस्ट के ऊपर। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर केवल टेन्यूर बेस पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मंगवाई गई है। जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट हैं, जनरल की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 पोस्ट है। पे स्केल जो रहेगा वो 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5,400 ये आपका रहेगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है दोस्तों? क्वालिफिकेशन में आपको जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है वो 10-10-2020 तक आपकी काउंट की जाएगी और लास्ट डेट भी यही है 10-10-2020। असेंशियल क्या है? बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपके पास 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल में दोस्तों क्या है? आपके पास एमएससी हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट नर्स का हो, आईएनसी का हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो एमएससी के बाद का, और आपके पास अगर पीएचडी है तो डिजायरेबल वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बीएससी नर्सिंग प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। दोस्तों, जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 10-10-2020, 21 से 40 साल इसके अंदर होनी चाहिए। और जो रूल अकॉर्डिंग रूल है ओबीसी एससी एसटी को छूट दी जाती है वो दी जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 10-10-2020 रहेगी। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। ओबीसी और जनरल के लिए 1,500 रुपये है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1,200 रुपये है, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस लागू नहीं होगी। जो मोड है पेमेंट करने का वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आपको फीस किस हिसाब से पे करनी है? ऑफलाइन मोड के अंदर आपको आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद में आप इंटरव्यू के समय अपनी रिसिप्ट लेके जाएं। और ये अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ये पंजाब नेशनल बैंक का इनका अकाउंट नंबर है, ब्रांच वहीं की है, तो ये आप इस पे पेमेंट कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ये रिसिप्ट देनी पड़ेगी वहाँ पर। आपको इंटरव्यू का टाइम जो है या एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पर प्राप्त होगा। बार बार आप वेबसाइट चेक करते रहें, हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अपलोड जरूर करेंगे। ये एम्स ऋषिकेश की साइट है, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू और एग्जाम के लिए आपको साइट देखनी पड़ेगी। दोस्तों, आप जब जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है इंटरव्यू के लिए? आपको एक प्रिंटआउट लेके जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे, उसके साथ में आपको एक फोटोकॉपी भी चाहिएगी, 1 सेट फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट, आपने फीस जमा करवाई उसका प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड जरूरी है, एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी कार्ड कोई भी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट मानी जाती है वो होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर जाने हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन बंदों के लिए लगता है जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है तो, और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 साल का है, लेकिन ये रिन्यूअल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर तक ही ये रिन्यूअल होगा, इसके बाद आपको नहीं रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
आप इस साइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, फर्दर जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज़ और अपडेट के लिए ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। धन्यवाद।